ओए वानिया का हाउसफुल, क्या बात है, सीधा 30 रुपए। क्या बंदर को बस करो, सोनू भैया सारा दिन गाने सुन लो, जिंगल बैल करवानी पड़ती है ना बिना रजिस्ट्रेशन का। तुम्हारा इतनी मुश्किल से मिला, अबू तो 45 से नीचे है, मेरा भी नहीं मिल रहा 18 से 45 44 वालों को। बहुत अच्छा, एक सेकंड में आती है 100-150 बुकिंग, फटाफट से भर जाते हैं, जैसे क्लिक करो उतने में ही गायब। फिर एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 11 मई 2021, मैं हूँ अभी गुड़गांव में। फाइनली मम्मी का जो वैक्सीनेशन का स्लॉट है वो मिल चुका है, पापा को फर्स्ट डोज लग चुकी है, मेरे ख्याल से 14 अप्रैल को लगी थी, 14 या 15 अप्रैल को, तो उनका भी एक महीना होने वाला है, तो दूसरी डोज तो सीधा कहीं भी किसी भी सेंटर पे जाओ तो लगा देते हैं वो, बट मम्मी की पहली डोज लगनी है। और मम्मी डरे जा रही थी, लगवा ही नहीं रही थी इतने दिन से, क्यों नहीं लगवा रहे थे है? हाँ जब आ रहे थे, जब मतलब पापा को लगी थी ना उस टाइम पे नवरात्रे थे, तो मम्मी ने लगाई नहीं। आज भी कौन सा आ रहे थे तुम, क्यों डरे जा रही है मम्मी फालतू में? कुछ नहीं होता वैक्सीन से, हाँ होता है, बुखार उखार चढ़ेगा एक दो दिन, वो भी कुछ लोगों के ही चढ़ता है, मेरे पापा और मामा के तो वो भी नहीं चढ़ा है ना बिल्कुल भी, तो इसमें डर नहीं, क्या बात है। मैं अभी अपनी ढूंढे जा रहा हूँ, पर 18+ वालों की तो भाई बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, और गुड़गांव में तो स्पेशली दिल्ली वालों के तो मेरे आधे ज़्यादा दोस्तों की लग चुकी है। ठीक है, मैं भी एक दो दिन में कर ही दूंगा किसी ना किसी तरह से जुगाड़ करके, जुगाड़ मतलब बैठा रहूंगा वेबसाइट पे 1-1.5 घंटा, और जैसी बुकिंग आएगी फटाफट से हाथ चलाऊंगा और मिल ही जाएगी। मम्मी का सेंटर मिला दौलताबाद जाके, इतनी दूर, और सेंटर की लोकेशन भी कुछ नहीं पता, मैंने मैप में डाला तो है बट मुझे नहीं लगता वो करेक्ट लोकेशन है, तो वहीं जाके किसी से पता करेंगे आसपास। सेंटर तो मिल गया फाइनली, ये है, लाइन लग रही है अंदर की साइड थोड़ी ज्यादा। 1 hour later, चलो भाई फाइनली लग गई। कुछ हुआ फील इंजेक्शन में? कुछ भी नहीं पता चला, गोलियां दी है साथ में, वो डोलो ही होगी है ना, पैरासीटामोल मेरे ख्याल से। अंदर की साइड ना थोड़ी लंबी लाइन लग रही थी, फर्स्ट डोज वाले भी एक ही रूम में थे, सेकंड डोज वाले भी, तो हमारे कितना, हम आए थे यहाँ पे अराउंड 12 बजे आ गए थे ना, 12 से 1 बज गए, 1 घंटा लग गया पूरा। वैसे तो वो जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं, बट वो कुछ लोगों के पास आधार कार्ड नहीं होता, कुछ लोगों के पास वो बुकिंग स्लिप नहीं होती, तो वो अंदर ना 15-15 मिनट वेस्ट हो जाते हैं ऐसे, वरना तो 5-5 मिनट का ये इंजेक्शन लगाया सीधा भेज दिया। अब सेकंड वैक्सीनेशन लगेगी मम्मी को 1 महीने बाद। चलो अब निकलते घर। क्या बेल्ट अपनी? ओहो स्लैब पे रख दो, ये स्लैब पे रख दो, हाथ धोया ना। चलो भाई घर पर आ गए, और मैं भी आज कोशिश करूंगा कि अपनी वैक्सीन का भी स्लॉट बुक हो जाए, चाहे 2-3 दिन बाद का हो बट हो जाए, और जाके लगवाए आऊंगा। और अभी मैं ब्लॉग की एडिटिंग कर रहा हूँ, कल वाले ब्लॉग की जो आपने कल देखा होगा, क्योंकि मुझे सुबह से टाइम नहीं मिला, मैं यहाँ घर आ गया था इसलिए एडिट कर नहीं पाया। मेरा ना असल में, मैं शेड्यूल बता दूँ क्या चल रहा है, मैं सुबह उठता हूँ 10-10:30 बजे, उसके बाद एडिटिंग शुरू करता हूँ 11:30-12 बजे तक, अपलोड करते करते 1 बज जाता है, बट आज मैं 1:30 बजे घर पे आया हूँ, तो मैं 1:30 बजे एडिटिंग शुरू करूंगा, समझ लो 3-4 बजे तक व्लॉग जो है वो लाइव होगा, इसलिए आपने कल व्लॉग लेट देखा होगा, यही रीजन था। आज सब लोग तंबोला खेल रहे हैं, मम्मी की पर्ची पार्क के पास है वो दिखा, और ये मेरी पर्ची अभी इकट्ठे हुए, मतलब यूज पर्ची है, हमारे पास 5-6 पर्ची बची थी, तो इसी को हम ऐसे मोड़ मोड़ के यूज़ कर लेंगे, जो जो नंबर आता रहेगा। स्पीकर नहीं, फ़ोन में ही चला दो, इसकी ऐप आती है एक, इसी में रैंडम नंबर आते रहते हैं, आएगी आएगी तेज आएगी। चलो करो करो शुरू, ये रिपार्ट करो ना, पेन नहीं चाहिए, पेन नहीं चाहिए, ऐसे फोल्ड करते रहना, जैसे जो भी नंबर आए ना इसको बैक में फोल्ड कर देना, हो गया येलो, ऐसे कर दो बस सिंपल, अभी कर लो सीधा, क्योंकि यही यूज कर लेंगे ना फिर से पर्चिया, है नहीं पर्चिया अभी तक, मेरा एक ही नंबर कटा। चलो चलो करो, 77 नहीं है, 57 नहीं है, 25 भी नहीं है, तुम्हारे कटे एक भी, हाँ ठीक है, 19 के बाद आई है 39 है, हाँ ठीक है ठीक है, 4 5 57 6 50 7 ठीक है, हाँ हो गया ना 50 है ना, हाँ चाचा का 7 अप हो गया, 10 रुपए जीत गए चाचा। थर्ड लाइन हो रहा, 42 48 हो गया, मेरा भी थर्ड लाइन 73 सेकंड लाइन कौन सी लाइन हुई है,
वानिया का कुछ भी नहीं हुआ ना अभी तक, मेरा भी नहीं हुआ। 38 38 भाभी तुम्हारी कौन सी लाइन हुई थी? सेकंड। तेरी फर्स्ट वानिया कुछ नहीं, और मन्नू आचा की थर्ड लाइन और सेवन अप। सिर्फ हाउसफुल बचा है 30 रुपए का, वो भी करो करो। ओए वानिया का हाउसफुल क्या बात है, सीधा 30 रुपए। अब तो वानिया पार्टी देगी, अब है वानिया पार्टी होगी आज तो पैटीज की। क्या बात है वानू, चलो तो सीन क्या हुआ, कल रात को मैंने वहां पर जाके कुछ भी शूट नहीं किया, और मम्मी ये कल लगी थी वैक्सीन इसलिए रात को चढ़ गया बुखार, और अभी भी पूरा शरीर दर्द भी हो रहा है ना। तो दवाई खा तो लिया डोलो 650 है ना, अब उससे थोड़ा बुखार उतरा है, बट अभी भी शरीर दर्द है, और जिस हाथ में इंजेक्शन लगा था वहाँ पे भी दर्द है, बट ठीक है, इतने सिम्टम्स तो आ ही रहे हैं लगभग। वैक्सीन लगवाना जरूरी है, लेकिन ये हम खोलने वाले हैं पजामा है और क्या, बस और टी शर्ट तो आ गई थी ना पहले, अब निक्कर हो रहा है ना, तो इसमें अब पजामा है या निक्कर है? निक्कर। तेरे को कैसे पता? अगर अगर गलत हुआ तो आउट हो गया, फिर मैं ले दूंगा ये, ठीक है। चलो करो अनबॉक्स करो, चलो खोलो जी, खोलो जल्दी खोलो, खोला ही नहीं आ रहा तुमसे तो। क्या अनबॉक्सिंग करोगे भैया तुम, क्या यूट्यूबर बनेगा रे तू? फिर सोनू भैया क्या होता है, मामा हूँ मैं तेरा। कैंची से नहीं, हाथ से करना पड़ेगा, बस की नहीं है तेरे ना, नहीं है तेरे बस की पार्थ यार, नहीं है। टैंकी दो यार। ला मैं खोलू, ला लो। इसके जितने भी कपड़े मंगाए थे उसमें से टी शर्ट तो सारी डिलीवर हो गई है, बस अब इसका निक्कर और टी शर्ट के जो सेट था वो रह गया था, और इसके 5-6 लोअर मंगवाए हुए थे वो रह गए थे, अब देखते इसमें आया क्या। चलो जी खोलो खोलो खोलो, और ये पजामे आए पार्थ, पजामे। ओए होए मोटे मंगाए, मोटे नहीं है ये, अच्छे है ये, देखो 5 आए हैं, एक ये तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा डिजाइन, एक ये है डिजाइन, ये सही लग रहा है ना पार्थ, 2 3 4 5 ये अच्छा है, देख कहाँ मोटा है, अभी झूठी बोले जा रहे हैं, बड़े नहीं है, पहन के देख, चल खड़ा हो वहाँ बेड पे जाके पहन, ब्रूनो खा जाएगा तेरे को वरना। ये देखो पूरा फिट साइज आया, कमर से भी सही है और नीचे से भी सही है, अब तो पार्टी देगा पार्थ, बस करो सोनू भैया, चल रख दे सारे, बाकी पैक करके रख दे सारे। और यार आज इस व्लॉग के बाद मैं शायद से कुछ भी शूट नहीं करूंगा, मन नहीं कर रहा, तो इसलिए कल हो सकता है व्लॉग आपको ना मिले, बाकी कर भी लिया तो मिल जाएगा, और ये वाला व्लॉग भी इसलिए लेट आ रहा है क्योंकि 2 दिन चल गया ये, इसलिए फटाफट से इसको फुटेज को ट्रांसफर करके एडिट करके लाइव कर देता हूँ व्लॉग को। ठीक है जी, मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। Oh,